हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो कि बहुत ही आसान है और हर बार इसमें से एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे नीट में इस बार, वो आपके बिल्कुल सही होंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं आज ग्रेविटेशन के बारे में, राइट। तो इसका मैप कि ग्रेविटेशन के अंदर आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो ध्यान में रखनी है, वो मैं सबसे पहले प्रेजेंट करता हूं आपके सामने, राइट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। कोई भी दो पॉइंट मासेस ले लो, एक का मास M1 है, दूसरे का M2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका फॉर्मूला होता है जी टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाय R2। यहाँ पर G जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10^-11 होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, जो कि हमने यूनिट और डायमेंशन के अंदर अच्छे से कवर किया था। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी। और इस तरीके से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। खैर, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बारे में हमें कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान में रखनी है। जैसे ये जो फोर्स है वो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, यानी कि इसके ऊपर लगेगा इधर की तरफ, इसके ऊपर लगेगा इधर की तरफ, और दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि आप आसानी से इस फोर्स की प्रेजेंस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान देना कि इस चैप्टर में से जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो ग्रेविटेशन के ना होके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के होंगे। ये आपको धीरे धीरे अभी पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ में इस फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। और अगर एक आप कंप्लीट साइकिल के अंदर वर्क लोगे तो हमेशा कितना होगा, जीरो। हमने सबने पढ़ा हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है। तो ये अपना जो भाई साहब है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। बहुत खास बात कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में किस तरीके का मीडियम रखा हुआ है, इस बात के ऊपर ये कतई डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। अगर आप किसी स्फेरिकल बॉडी, क्योंकि पॉइंट मासेस तो नॉर्मली मिलते नहीं है, नॉर्मली हमें क्या मिलती है, बॉडीज मिलती है, रिजिड बॉडीज, स्थूल, ठीक है। ग्रोस बॉडीज या स्फेरिकल बॉडीज, अगर नॉर्मली उनकी शेप की बात करें, जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं वो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल बॉडीज के लिए जब आप डिस्टेंस कंसिडर करोगे तो कहाँ से करोगे, हमेशा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेनी है। पॉइंट मासेस के लिए ये डाउट नहीं था, बट जैसे आपकी बॉडी ग्रोस हो गई, उसकी साइज और शेप आ गई, तो फिर आप उसके सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक की डिस्टेंस को इस फॉर्मूला के अंदर यूज करोगे। और स्फेरिकल शेल या कोई सी भी शेल जो हो गई आपकी, ठीक है ना, क्लोज होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप कोई भी मास रख दो, उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको काम में आने वाली है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिया जाता है कि दो मासेस हैं, एक है M1 और एक है M2, और इन दोनों के बीच में आपने डी डिस्टेंस के ऊपर एक तीसरा मास रखा है, कैपिटल एम। अब ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ना जहां पर दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, और डायरेक्शन में तो अपोजिट है ही, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को रखने के ऊपर उसके ऊपर कंबाइंड फोर्स कितना लगेगा, जीरो। तो ऐसा चमत्कार आपको जिस पोजिशन पर होता हुआ दिखाई देगा, उसकी मास M1 से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ दैट मास जिससे आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो। जैसे M1 से निकालना चाहते हो तो यहाँ पे रूट ऑफ M1 आ जाएगा, अगर आप M2 से डिस्टेंस निकालना चाहते तो रूट ऑफ M2 आ जाता, राइट। R टाइम्स रूट M1 डिवाइडेड बाय रूट M1 प्लस रूट M2। इस तरीके से आप आसानी से इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। आ रहा है समझ में। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होंगी जो कि आपको क्विकली ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आने वाले तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में मदद करेगी। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें आपके वेक्टर्स के कंसेप्ट यूज होते हैं, मतलब एक पॉइंट के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस निकालोगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की वजह से, फिर उनका वैक्टर सम करना पड़ेगा। तो मैं उस डिटेल के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि हम ऑलरेडी उसके साथ बहुत अच्छे से खेल चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अपन करेंगे। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड होती है फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट मास, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, या फोर्स डिवाइडेड बाय जो भी आपने टेस्ट मास रखा है उसको डिवाइड कर दो, उसको अपन ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब अपनों को इस डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाना, अपन कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं लिख रहे हैं यहां पर, राइट। हमें इसका प्रैक्टिकल फॉर्मूला ध्यान रखना है, दैट इज
जी टाइम्स कैपिटल एम, कैपिटल एम उस पॉइंट का मास है जिसकी वजह से आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हो किसी डिस्टेंस आर पर। तो जी टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये एक पॉइंट मास जिसका मास कैपिटल एम है, सी डिस्टेंस स्मॉल आर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी है ये, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा फोर्स, उस पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में होती है। नॉर्मली आप पॉइंट से बाहर की तरफ रेडियल डायरेक्शन लेते हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा आपको अंदर की तरफ मिलेगी। तो वेक्टर फॉर्म में इसको नेगेटिव साइन और लगा के लिखा जाता है, ठीक है ना। बट हमें तो इसका मैग्नीट्यूड ध्यान में रखना है, वेक्टर तो अपन अपने आप भी ड्रॉ कर लेंगे, राइट। अगर आप किसी स्फेरिकल बॉडी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हो तो बाहर तो फॉर्मूला वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा पॉइंट मास के लिए है, जी टाइम्स कैपिटल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सरफेस पर भी वैसा ही रहेगा, जी टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाय जो भी सरफेस की जो रेडियस होगी, ठीक है ना, उसका स्क्वायर, ठीक है ना। बट अगर अंदर किसी पॉइंट पर चले जाओगे तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर पॉइंट आपका अंदर होना चाहिए, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जी टाइम्स कैपिटल एम टाइम्स आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, रेडियस का जो क्यूब है उसके डिवाइड, उसको डिवाइड कर दोगे, इस तरीके से मिलेगी। तो एक खास बात यहाँ पर ही देखने को मिल रही है कि स्फेरिकल बॉडी के लिए, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी के लिए बाहर और सरफेस पर तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, पॉइंट मास जैसा ही बिहेवियर है, बट अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आती है। तो इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा बनता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड का, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ ड्रॉ करूं तो अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आएगी और अंदर इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नजर आएगी। और कई बार इंटेंसिटी का आर के साथ ग्राफ खींच देते हैं तो वो नेगेटिव साइड पे बन जाता है, मैंने बता ही दिया नेगेटिव क्यों होती है, ठीक है ना। आर अपन नॉर्मली रेडियल डायरेक्शन में लेते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ऐसे ही अगर आप स्फेरिकल शेल लोगे तो बाहर और सरफेस पर तो बिहेवियर वैसा ही रहेगा जैसा पॉइंट मास का है, बट अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। हमने यहां पर भी पढ़ा था कि अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जीरो। तो वो यहीं से निकल गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, मास रखा हुआ है, तो फोर्स कैसे निकालोगे, मास को फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर फोर्स दे रखा है और मास रखा गया है और इंटेंसिटी निकालने के लिए कही गई है तो आप क्या करोगे, फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा काम हम इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में भी करेंगे, वहां पर भी हम फोर्स और उसके बाद में फील्ड डिफाइन करेंगे। फील्ड का कॉन्सेप्ट हर उस फोर्स के लिए डिफाइन किया जाता है जहां पर दो ऑब्जेक्ट बिना एक दूसरे को टच करें एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल सेम डिस्कशन होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। आप चाहो तो दोनों चैप्टर्स को एक साथ निपटा सकते हो, दैट इज अप टू यू। फॉर्मूलाज भी इनफैक्ट बिल्कुल सेम होंगे। अब यहां से थोड़ा बहुत हम अर्थ के स्पेसिफिक बात करेंगे कि अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जनरेट होता है, हर ऑब्जेक्ट को आप देखोगे वो अर्थ की तरफ जाना चाह रहा है, आप फ्रीली छोड़ दोगे तो वो अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश करता है, कितने एक्सेलरेशन की तरफ गिरने की कोशिश करता है हम आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला जाता है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब उसकी जो वैल्यू है नॉर्मली अर्थ की सरफेस पर उसकी वैल्यू होती है जी टाइम्स कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि कैलकुलेट करोगे अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस की वैल्यू रखोगे तो ये आपको दिखाई देगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करती है, चार चीजें अफेक्ट करेगी। सबसे पहली है हाइट, अगर आप किसी हाइट एच पर ले जाओगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत कम है तो आप ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जी एच विल बी इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2h अपॉन r। खास बात यह है कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सरफेस के कंपैरिजन में क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। अगर आप डेल्टा जी निकालोगे कि भाई कितना कम हुआ है तो डेल्टा जी अपॉन जी ये आपको किसके इक्वल दिखाई देगा, 2h अपॉन r के इक्वल दिखाई देगा, मतलब नेगेटिव साइन भी आएगा, वो कम होने को शो करता है, मैग्नीट्यूड इसका 2h अपॉन r होगा, ठीक है ना, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब आप डेप्थ पर चले जाओगे सरफेस से अंदर अर्थ के तो भी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा, आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि g एट सम डेप्थ d विल बी इक्वल टू
जी एट द सरफेस टाइम्स 1 माइनस डेप्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूलाज आपकी फिंगर्स पर होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के इस चैप्टर को कवर कर सकते हो, और वो मैंने इस पेज के ऊपर कलेक्ट करने की कोशिश करी है, राइट। तीसरा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है अर्थ की शेप का। अब अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फेरिकल शेप में नहीं है, वो ओवल शेप के अंदर है, यानी कि वो पोल्स पे थोड़ा सा पिचकी हुई है और इक्वेटर पर थोड़ा सा बल्ज आउट है, फैली हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है। यानी कि पोल पर जो रेडियस है वो इक्वेटर पर रेडियस के कंपैरिजन में कम है। अब हमने देखा था जी रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जहां पर रेडियस कम होगी वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी कि पोल्स पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा इक्वेटर के कंपैरिजन में। पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जीपी माइनस जीए अगर आप निकालोगे तो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पोल्स पर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अराउंड 10 ले सकते हो, मैक्सिमम होता है पोल्स के ऊपर। पोल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मैक्सिमम होने का जो रीजन है वो एक और है, एंड दैट इज और फोर्थ फैक्टर, वो है अर्थ का खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेशन। अगर आप अर्थ को कंसिडर करोगे तो अर्थ जो है वो खुद के एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। अब आप इसकी इक्वेटर से अगर थीटा एंगल पर चले जाओगे यहां पर, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ, एक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। अब उन दोनों को काउंट करोगे तो आपका इफेक्टिव जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आएगा, या इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा, वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर टाइम्स कॉस थीटा के इक्वल निकल के आएगा। यानी कि अब की बार आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, इवन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इवन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, वो किस बात के ऊपर डिपेंड कर रही है कि वो इक्वेटर से कितने एंगल पर है। इसको लैटिट्यूड भी बोला जाता है कई बार, राइट। तो इक्वेटर पर जैसे सपोज करो इक्वेटर की बात करें, तो इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई है इक्वेटर के ऊपर रोटेशन की वजह से। और पोल्स पर चले जाओगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो जी डैश केवल और केवल किसके इक्वल आ जाएगा, जी के इक्वल आ जाएगा। यानी कि पोल्स इवन अर्थ की सरफेस के ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। और आप इस फॉर्मूला को आसानी से यूज कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और हमारा टारगेट है कि नीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे हमें 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। एंड फॉर दैट एटलीस्ट दिस मच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपको कुछ पता है तो वो एक बोनस चीज है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अपन आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। अगर आप कोई भी दो मासेस ले लो, कैपिटल एम और स्मॉल एम, उनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो इस पूरे के पूरे कॉन्फिग्रेशन की कि दो मासेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर के इक्वल हो जाएगी। आप बोलोगे सर कहाँ से आया ये फॉर्मूला, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी बहुत डिटेल में पढ़ी थी वर्क एनर्जी और पावर में, एग्जैक्टली उसी को यूज किया है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और द पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आप उस चीज को ध्यान में रखो, ये सब चीजें यहां पर नई नहीं है, बस ये फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, राइट। अब ये जो दोनों रिजल्ट हैं, ये दोनों रिजल्ट वैसे तो आपको अगर याद रह जाते हैं तो याद रख लेने हैं, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये आपको लगाना आना चाहिए। ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो नया नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको उसी के ऊपर दिखाई देंगे। अगर आप याद रख सकते हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर अर्थ की सरफेस से किसी हाइट एच तक आप ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो तो बताओ आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अगेंस्ट, तो वो निकल के आएगा एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर। अगर एच आर के कंपेरिजन में बहुत कम है तो W निकल के आएगा एम जी एच, जो कि हम आज तक यूज करते चले आए थे। मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि W इज इक्वल टू एम जी एच फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब H जो है वो R के कंपैरिजन में बहुत कम हो, और अगर नहीं हो तो आज से हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। ऐसे ही किसी हाइट H से ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए तो सरफेस पर टकराते टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी, आज तक हम यूज करते आए थे V इज इक्वल टू √2gh,
क्योंकि हम वहां पर पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच माना करते थे, बट अब हमें ध्यान रखना है कि अगर एच आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर। कई बार वी देखे कि बताओ इतनी वेलोसिटी से फेंका गया कितनी हाइट तक जाएगा, तो इसी फॉर्मूले में एच को तुम सारा वी और आर की फॉर्म में लिख लेना तो हाइट का फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि आपको ये फॉर्मूलाज याद रह जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको दिमाग के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस फैक्ट को ध्यान में रखना है क्योंकि ये सारे के सारे रिजल्ट वहीं से आए हैं। एस्केप वेलोसिटी की अगर हम बात करें, अगेन फॉर्मूला याद रख सकते हो तो रख लो, अदरवाइज जो रिजल्ट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आए हैं। तो आप अर्थ की सरफेस पर हो, आपने किसी ऑब्जेक्ट को वी ई वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, अब आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। मान लो ये धीरे 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाता है, इनफाइनाइट का मतलब है जहां पर फोर्स लगना बंद हो जाए, यानी कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए, जीरो। तो आपने अर्थ की सरफेस पर जहां पर इसकी एनर्जी काइनेटिक भी थी और पोटेंशियल भी थी, पोटेंशियल एनर्जी हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, वहां से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और वो इन्फिनिटी पर चला गया जहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे तो आपको इस वीई वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय आर। इसी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब हो गया कि वो वेलोसिटी जिससे अगर आप किसी पत्थर या फिर ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज को अगर फेंक दो तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। अगर आप किसी हाइट से फेंकते हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय r प्लस h हो जाएगा। खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ये जो एस्केप वेलोसिटी है ये प्लेनेट के मास और प्लेनेट की रेडियस इन दोनों के ऊपर डिपेंड होती हुई नजर आ रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट एंड एच के ऊपर भी डिपेंड होती हुई नजर आ रही है, मतलब कहां से उसको फेंका गया है। बट ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो आपको ध्यान में रखना है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तुम किस को फेंक रहे हो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तुम 5 किलो की बॉल को फेंकोगे तो भी उसकी वैल्यू उतनी आएगी और 50 किलो के सपोज करो ब्लॉक को फेंकोगे तो भी उसकी वैल्यू इतनी आएगी, और ना ही ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। आप कितने भी एंगल के ऊपर, क्योंकि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को अपने कंजर्व कराया तो इसमें कोई डायरेक्शन का रूल नहीं आता, राइट। तो इन दोनों चीजों के ऊपर आपकी एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। जैसे अर्थ की सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। मून के ऊपर इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है मून के लिए वो है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, जो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। अब नॉर्मली जब आप एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात करोगे तो उनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होती है, इसीलिए मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। और मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, इस फैक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे एक हीलियम बलून है, उसको आप अर्थ के ऊपर छोड़ देते हो तो वो ऊपर जाता है, क्यों, क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेयर है, यहां पर उसके ऊपर जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हीलियम बहुत हल्की गैस है, राइट, और उसके ऊपर जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, बयांट फोर्स जिसको अपन बोलते हैं, वो ज्यादा है डाउनवर्ड फोर्स के कंपैरिजन में, इसलिए वो बलून को ऊपर लेके चला जाता है, जबकि मून के ऊपर तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, राइट। लोगों को लगता है कि मून पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स और भी कम होगा, ठीक है, यानी और तेजी से बलून ऊपर जाना चाहिए, वैसा नहीं है। वहां पर अब थ्रस्ट फोर्स लगाने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है कॉमन सेंस के, वो इस सेगमेंट से पूछे जा सकते हैं, राइट। सैटेलाइट्स के अगर बारे में बात करें हम, तो वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं विद अ फिक्स्ड वेलोसिटी एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो आप आसानी से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकाल सकते हो। इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, ठीक है। एच सरफेस से किस हाइट के ऊपर आपकी सैटेलाइट रोटेट कर रही है वो हाइट है, राइट। एक खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी को रूट टू टाइम्स इंक्रीज कर दोगे, यानी कि 41.4% इंक्रीज कर दोगे, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दोगे, तो वो सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी, एस्केप कर जाएगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4π² डिवाइडेड बाय जी एम आर क्यूब, टाइम पीरियड का स्क्वायर। यहां पर आपको केपलर्स लॉ अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में हम अगले सेगमेंट के अंदर बात करेंगे कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा एवरेज रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर इसकी एनर्जी की बात करें
तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को सम कर दोगे तो वो निकल के आएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 आर। कैपिटल एम यहाँ पर प्लेनेट का मास है, स्मॉल एम यहाँ पर सैटेलाइट का मास है, और जो स्मॉल आर है वो प्लेनेट के सेंटर से सैटेलाइट तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है, राइट। दो तीन चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम हालांकि आपको नई चीज जैसा महसूस हो रहा होगा कि ग्रेविटेशन में फॉर्मूलाज भी नए हैं, सब कुछ है, बट सब कुछ पुराना है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये आपको ध्यान में रखना है, और क्योंकि इसमें सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व है तो मैंने सर्कुलर मोशन के अंदर आपको पढ़ाया था कि जब भी सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व होती है तो mv² / r सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसकी सीट पर आपको किसी फोर्स को बैठाना होता है, तो यहां पर कौन बैठेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दो फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों, अगर ये दो फैक्ट आपने ध्यान में रख लिया ना तो शायद आपको इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये अपन क्वेश्चंस के अंदर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो केपलर्स लॉ भी फटाफट से कर लेते हैं अपन। केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो था उसने ये बताया था कि किसी भी स्टार के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर नहीं, इलेप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और जो सन होता है वो उस इलेप्टिकल ऑर्बिट के वन ऑफ दी फोका, ठीक है, वन ऑफ दी जो फोकाए होते हैं, मतलब वन ऑफ दी फोकस, आप प्लूरल यूज नहीं करना चाहोगे तो, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो मैंने यहाँ पर एक इलेप्टिकल ऑर्बिटल बनाया है, ऑर्बिट बनाया है, और यहाँ पर एक फोकस पॉइंट जो होता है वहां पर हमने सन को दिखाया है, ठीक है ना। जो सबसे पास वाला पॉइंट होता है उसको पेरिहेलियन बोलते हैं, जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है उसको एफिलियन बोलते हैं। इस डिस्टेंस को आर मिन से और इस डिस्टेंस को आर मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आर मैक्स जो होती है वो a(1+e) और आर मिन जो होती है वो a(1-e) के इक्वल होती है। यहां पर ए क्या है? यहां पर ए सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है, ये सेमी माइनर एक्सिस कहलाता है, ठीक है। और ई यहां पर है एसेंट्रिसिटी ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट, ये मैथमेटिकल टर्म है, अगर क्वेश्चन में दी जाएगी तो आपको डायरेक्ट इसको यूज करना है। तो अगर आपको आरमैक्स और आरमिन दे दिए जाए तो आप डायरेक्ट सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो ये तो इस ऑर्बिट के बारे में बात होगी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। सेकेंड लॉ जो है ध्यान रखना वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। उसमें कहा गया है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, टॉर्क हमेशा जीरो होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया जा सकता है, एल हमेशा कॉन्स्टेंट दिखाई देगा। अब इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आएगा कि जो एरिया कवर किया जा रहा है, द रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस, ठीक है, पर यूनिट टाइम विल ऑलवेज बी अ कॉन्स्टेंट। तो dA/dt जो होगा यानी कि L डिवाइडेड बाय 2m अगर आप निकालोगे तो ये भी आपको हमेशा क्या दिखाई देगा? कांस्टेंट दिखाई देगा, यानी कि वेलोसिटी और डिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। यानी कि जहां पर डिस्टेंस मिनिमम होगी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और जहां पर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहना चाहिए? कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। और जो थर्ड लॉ है वो टाइम पीरियड के बारे में बात करता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा एवरेज डिस्टेंस, एवरेज रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपके कैपलर्स लॉ के बारे में बात हो गई। तो ऑल इन ऑल आपको ये छोटे 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 फॉर्मूलाज ध्यान में रखने ही हैं, साथ ही साथ में आपको ध्यान में रखना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, आपकी समस्याओं को दूर करते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मास पार्टिकल्स ऑफ 1 किलोग्राम ईच आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट एक्सिस इक्वल टू 1248, इस तरीके से डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं। देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास ऑफ 3 किलोग्राम प्लेस्ड एट ओरिजिन इज। तो देखो ओरिजिन जो है वहां पर तो 3 किलोग्राम का मास रखा गया है, ठीक है, फिर एक्स इज इक्वल टू 1 पर, एक्स इज इक्वल टू 2 पर, फिर ये 3 हो गया और ये 4 पर, ठीक है, फिर 5 6 7 8, तो यहां पर रखा गया है 1 किलोग्राम, ठीक है, फिर यहां पर रखा गया है 1 किलोग्राम, फिर यहां पर रखा गया है 1 किलोग्राम, 5 6 7 यहां पर रखा गया है 1 किलोग्राम, और इस तरीके से अपनों ने खूब सारे 1 किलोग्राम के मासेस रख रखे हैं इन्फिनिटी तक। तो ओवरऑल फोर्स पूछा गया है कि इसके ऊपर कितना लगेगा, तो सबकी वजह से अलग अलग फोर्स निकाल लो, सब अट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं और सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो इसकी वजह से जो फोर्स निकल के आएगा वो आएगा जी, पहला मास हो गया 3, दूसरा मास हो गया 1 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 1 उसका स्क्वायर। फिर इसकी वजह से निकालेंगे जी टाइम्स पहला मास हो गया 3, दूसरा मास हो गया 1 और आपके पास डिस्टेंस हो गई 2 तो उसका स्क्वायर कर दिया। फिर इसकी वजह से निकालेंगे जी टाइम्स
थ्री टाइम्स वन डिवाइडेड बाय, आपकी बात डिस्टेंस हो गई 4 स्क्वायर, फिर जी टाइम्स थ्री टाइम्स वन डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आपका टोटल फोर्स हो जाएगा। चलो वेक्टर छोड़ देते, मैग्नीट्यूड निकाल लेते। अब देखो यहां पर आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं अपन। यहां पर हमें एक जीपी बनते हुए नजर आ रही होगी, कैसे बनते हुए नजर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जी कॉमन आ जाएगा, थ्री कॉमन आ जाएगा, वन कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा वन प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय सिक्सटीन प्लस वन डिवाइडेड बाय 64 एंड सो ऑन। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपको एक जीपी बनती हुई नजर आ रही होगी, आप देख रहे हो कि हर टर्म में 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा, फिर आगे आएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर का मतलब है 64 को अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 16 का स्क्वायर बनते हुए नजर आएगा। तो एक जीपी बन रही है और इनफाइनाइट टर्म्स तक बन रही है, तो एक जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम हुआ करता था वो हुआ करता था फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय वन माइनस जो भी आपका रेशियो होगा, कॉमन रेशियो वो है आपका 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जी टाइम्स थ्री टाइम्स वन टाइम्स 4 माइनस 1 करोगे तो 3, तो 4 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा नीचे, 3 से 3 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 4G, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स का है, फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का अप्लाई किया गया है, बट असली में ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, बेसिक मैथ्स के अंदर से उठाया गया है, जहां पर मैंने आपको एपी और जीपी के बारे में पढ़ाया था। आई होप आपको याद होगा अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। थ्री आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास कैपिटल एम आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां पर एक एम मास रखा हुआ है, यहां पर एक एम मास रखा हुआ है और यहां पर एक एम मास रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो अपनों को एल दे रखी है। कीपिंग द ट्राइंगल एज सच बाय विच एंगुलर स्पीड द बॉडीज शुड रोटेटेड इन दियर ग्रेविटेशनल फील्ड्स सो दैट द ट्राइंगल मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो इनको जब आप मिलाओगे तो आपको इस तरीके का एक सर्कुलर ऑर्बिट बनता हुआ नजर आएगा। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ इनकी एंगुलर स्पीड कितनी हो कि ये ट्राइंगल इसी तरीके से रोटेट करता रहे, सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व है। तो अपन किसी भी मास को पकड़ लेते हैं, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टुवर्ड्स द सेंटर क्या लगना चाहिए, एक फोर्स लगना चाहिए। उस फोर्स की शक्ल कैसी होगी, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। अब आपको रेडियस के बारे में पता होना चाहिए कि रेडियस होती कितनी है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड एल है, ठीक है, उसके लिए आप पहले तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लो। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल के आती है, ये 60 डिग्री एंगल होता है, तो ये तो हो जाएगी एल कॉस 60, ये हो जाएगी एल साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो पॉइंट है, जो सेंटर है, वो 1:2 के अंदर डिवाइड करता है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, इसको लिख सकते हो 2/3 टाइम्स एल टाइम्स √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 कट जाएगा, तो ये डिस्टेंस आएगी एल बाय √3। तो पहले भी अपन कर चुके हैं कई बार कि एक ट्राइंगल के सेंटर से, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर से उसके वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, एल बाय √3 होती है, जो भी साइड है उसको डिवाइड बाय √3 कर दो। तो जो रेडियस है आपकी वो कितनी है, एल डिवाइडेड बाय √3। तो एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वॉट एवर बी द रेडियस, रेडियस कितनी है, एल डिवाइडेड बाय √3। ये आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, या तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखो, या एंगुलर स्पीड की फॉर्म में लिखते हो तो एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखो। ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये इस पार्टिकल के ऊपर, इस मास के ऊपर लगने वाले नेट ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर की तरफ लग रहा है, एक इधर की तरफ लग रहा है। इसकी वैल्यू है जी कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम, मतलब जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर। और इसकी भी वैल्यू है जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, यानी कि दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ वो किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ वन ऑफ द फोर्स जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर,
टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टू, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो रह जाएगा 30 डिग्री. तो यह आ जाएगा 2gm² l² cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा रूट 3gm² l². तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए, रूट 3gM² / l². अब देखो कैपिटल M से एक कैपिटल M कैंसिल हो गया, आपको तो ओमेगा निकालना था, तो ओमेगा जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, रूट थ्री और रूट थ्री मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएंगे, तो 3gM / l³ इसके होल अंडर रूट के इक्वल आ जाएगा. तो 3gM / l³ होल अंडर रूट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. अब इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 जगह आपको परेशानी आई है. एक तो आप पूछोगे सर आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि वेक्टर्स वाले चैप्टर में जाओ, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos of angle between them / 2. तो मैंने डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगाया ताकि अपनी स्पीड इंक्रीज हो. फिर आप बोलोगे सर आपने इसको इसके इक्वल क्यों रखा, तो सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में जाओ, मैंने बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी सीट पर हमेशा उस फोर्स को बैठाना है जो उस सिचुएशन के अंदर लग रहा है. तो इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, वो इन दोनों का वेक्टर सम है. तो 2-3 कंसेप्ट को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया और आपको इसके अंदर कोई भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना. इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन. फोर पार्टिकल्स ऑफ मास m, 2m, 3m एंड 4m आर केप्ट इन अ सीक्वेंस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए. द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज. तो ऐसा आपका स्क्वायर है, इसकी साइड आपको दे रखी है a, यहां पर रखा गया है m को, यहां पर रखा गया है 2m, यहां पर रखा गया है 3m और यहां पर रखा गया है 4m, ठीक है. और आपको सेंटर पर किसी मास को रखा जाने पर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताना है. तो आप क्या करो, सबसे पहले सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लो. तो इसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ होगी और इसकी वजह से इधर की तरफ होगी. इसकी वजह से जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी टाइम्स स्मॉल एम, जो भी ये डिस्टेंस होगी. अब आपको इस डिस्टेंस का पता होना चाहिए, ये ए है, ये ए है, तो ये पूरा जो डायगोनल है वो रूट टू ए होता है. तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, ए बाय रूट टू होती है. तो जी टाइम्स एम डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है. तो अभी अपन इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, फिर एक साथ रख देंगे. इस डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं, अपन एक्स मान लेते हैं. तो जी टाइम्स एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जानी चाहिए. और यहां पर हो जाएगा जी टाइम्स 3m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. तो इन दोनों में लड़ाई होगी तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल के आएगी, इस तरफ निकल के आएगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2gm / x². ऐसे ही इसकी वजह से इधर की तरफ होगी और इसकी वजह से इधर की तरफ होगी. यहां पर वैल्यू हो जाएगी 4gm / x² और यहां पर वैल्यू होगी 2gm / x². तो इन दोनों में लड़ाई होगी तो रिजल्टेंट इधर की तरफ निकल के आएगी 2gm / x². तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, एक इधर की तरफ है 2gm / x² और एक इधर की तरफ है 2gm / x² और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री. डायगोनल्स 90 डिग्री पर होते हैं स्क्वायर के. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, अपन रिजल्टेंट अभी अभी निकाल रहे थे, ट्वाइस ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स 2gm / x² टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि 90 / 2 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि √2 टाइम्स 2gm / x². एक्स की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी रख सकते हो आप, a/√2, तो रखते हैं यहां पर. तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स 2gm, ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करोगे तो वो 2 बन के चला जाएगा ऊपर. तो आपका आंसर आ जाएगा 4√2gm/a². इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होनी चाहिए. अब आपने सेंटर पर कितना मास रखा है, सेम मास रखा है m, तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा, मैंने बताया था फोर्स
कैसे निकाला जाता है? फील्ड इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? रखे जाने वाले मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी एम है, ये भी एम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 4√2 gm² डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड मून इज डी एंड मास ऑफ अर्थ 81 टाइम्स दैट ऑफ मून, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। तो सिचुएशन ऐसी है कि ये तो मून है और ये अर्थ है जिसका मास 81 टाइम्स मून का जो भी मास होगा उसके इक्वल है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल डी। आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तो आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? एक्स इज इक्वल टू, किससे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ से फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया था टोटल डिस्टेंस टाइम्स वो वाला मास जिससे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है डिवाइडेड बाय पहले वाले मास का अंडर रूट प्लस दूसरे वाले मास का अंडर रूट। देखो इसको सॉल्व करते हैं, डी टाइम्स यहां पर आ जाएगा 9√m, और यहां पे रूट एम और 9√m ऐड होके 10√m बन जाएंगे। रूट एम से रूट एम कैंसिल हो जाएगा, 9d/10, ये आपका क्या आ जाना चाहिए? आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट कर सकते हैं हमने उस डायरेक्ट फॉर्मूला, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्यूम दैट अ टनल इज डग थ्रू अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड दैट द अर्थ इज अ नॉन रोटेटिंग यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ डेंसिटी रो। रोटेट नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म स्फेयर है, उसकी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम ड्रॉप्ड इन टू द टनल व्हेन इट रीचेज अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज। तो हमने बताया था कि अगर अपन अर्थ को एक सॉलिड स्फेयर माने तो इसके अंदर किसी पॉइंट आर के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और फोर्स कितना हो जाएगा? जी टाइम्स कैपिटल एम टाइम्स स्मॉल एम टाइम्स आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। मैंने फील्ड इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दिक्कत यह है कि यहां पे अपनों से आंसर मांगा गया है डेंसिटी की फॉर्म में। डेंसिटी की फॉर्म में अपन आंसर देंगे तो डेंसिटी कैसे निकाली जाएगी? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 πr³। तो यहां से आर क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी? एम डिवाइडेड बाय 4/3 πr² ये वैल्यू उठा के अपन यहां पे रख देते हैं। तो जी टाइम्स कैपिटल एम टाइम्स स्मॉल आर और आर क्यूब की वैल्यू रख दी कैपिटल एम, और ये जो डिवाइड के अंदर है ये चला जाएगा ऊपर, तो 4/3 πr² एम से एम कट जाएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 4/3 πr² (m)r। देखो कौन सी वाली वैल्यू सही है आपकी, 4/3 πr² (g). जी भी बचेगा यहाँ पे, उस जी को भी लिख लो यहाँ पे, तो जी टाइम्स पाए इंटू दिस एंड दिस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपको क्या नजर आ रहा है? करेक्ट नजर आ रहा है। तो घुमाने के लिए बोला जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, आई होप आपको सबको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा, आई होप सबको आपको डायरेक्शन मिल गई होगी। अपनों को आर क्यूब में नहीं डेंसिटी के फॉर्म में आंसर देना है, आंसर तो हमारा यहाँ पर भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट एच देन। तो हमें हमने पढ़ा था कि जी एच जो होता है वो किसके इक्वल होता है? जी टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ प्लस आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। अभी बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस, यानी ये जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? जी बाय 2 के इक्वल हो जाता है। रख देते हैं अपन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, जी से जी कट गया दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो 1/√2 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो आर प्लस एच इज इक्वल टू √2 आर आ जाएगा,
यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी रूट टू माइनस वन टाइम्स r। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फोर जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। The acceleration due to gravity g and mean density of earth rho are related by which of the following relation? तो हमने पढ़ा था कि जो g होता है वो होता है g capital m upon r square। अब हमें density की फॉर्म में आंसर पूछा गया है या density को इन सब चीजों की फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले अपन density को सीन में लेके आते हैं। देखो इन सब ऑप्शन में आपको मास कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो अब की बार अपन मास को गायब करेंगे डेंसिटी के फॉर्म में। तो हमें पता है डेंसिटी होती है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो मास की जगह रखा जा सकता है 4/3 पाई इंटू रो टाइम्स आर क्यूब, ये रखते हैं यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी टाइम्स 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो जो रो की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, 3 तो जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी सब चीजें नीचे चली जाएगी, जी भी नीचे आ जाएगा, 4 पाई आर भी नीचे आ जाएगा, तो ये रो की वैल्यू आ जाएगी 3g डिवाइडेड बाय 4 पाई जी टाइम्स कैपिटल आर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। अब ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है मैंने इसलिए लिए ताकि इसी बहाने आप डेंसिटी की फॉर्म में भी इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक बार ध्यान में रख लो, क्योंकि कई बार डेंसिटी के फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और डरना नहीं है, आप कन्वर्ट कर सकते हो और उसमें कन्वर्ट करने में आपको एक मिनट से ज्यादा नहीं लग रहा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया। व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने बताया था कि इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है, और पोल पर सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं अपन आसानी से तो सारी की सारी चीजें। व्हेन द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय 1% विदाउट चेंजिंग द मास देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जी टाइम्स कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने एरर्स के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर आने वाली जो फ्रैक्शनल एरर होगी या परसेंटेज एरर होगी, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, पावर आ जाएगी आगे, ठीक है, ट्वाइस ऑफ आर के अंदर आने वाली परसेंटेज एरर के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी एरर बहुत कम है तो हम एरर का कंसेप्ट लगा सकते हैं। मैंने वहां पर भी बताया था और यहां पर भी रिपीट कर रहा हूं कि जब आपका 5% से कम चेंज होता है तो आप एरर वाले अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। तो आपको बोला गया है कि रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय 1%, तो ये जो चेंज आ रहा है कितना है, 1% है, तो ये वाला जो चेंज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 into 1 दैट इज 2% हो जाएगा। और ध्यान रखना रेडियस जब डिक्रीज होती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर अपनों को आंसर लगाना है इंक्रीजेस बाय 2%, 2% से आपकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Weight of a body of mass m decreases by 1% when it is raised to height h above the earth's surface. If the body is taken to a depth h in a mine, then in its weight will. तो कितने परसेंट से वेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा? अब देखो हाइट h पर ले जाने पर सबसे पहले आपका सबसे पहली चीज देखो कौन सी चीज चेंज होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होता है, मास तो चेंज होगा नहीं, तो वेट के अंदर मास भी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 1% चेंज आ रहा है उसके अंदर, अब ये चेंज किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर चेंज होने की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो डेल्टा जी अपॉन जी था वो किसके इक्वल था, 2h अपॉन r के इक्वल था, अगर अपन हाइट पर ले जाते हैं तो, और सेम डेप्थ पर लेके जाएंगे तो डेल्टा g अपॉन g जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, d अपॉन r, d की जगह भी अपन h रख देते हैं तो h अपॉन r के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट h पर ले जाने पर आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना परसेंट चेंज हो जाता है, 1% चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो यहां पे एच की जो वैल्यू है वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी टाइम्स 100, ये आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इतना चेंज आ गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर, तभी तो वेट के अंदर चेंज आया होगा। तो अपन दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 1 निकल के आ रही है। यानी कि जो एच है वो कितना निकल के आ रहा है, आर डिवाइडेड बाय 200 निकल के आ रहा है। आर को ऊपर ले गए, 200 को नीचे ले गए। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पे जैसे एच की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय 200 टाइम्स, एक आर पहले से नीचे रखा हुआ था, आर से आर की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो बचा 1 डिवाइडेड बाय 200। तो अपन परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा जी टाइम्स जी डिवाइडेड बाय जी टाइम्स 100, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जानी चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय 200 टाइम्स 100 के इक्वल आ जानी चाहिए, इससे कैंसिल हो जाएगा और 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0.5%। तो जब आप एच हाइट पर लेके जाते हो तो आपका 1% जो वेट है डिक्रीज हो जाता है, तो जब आप एच डेप्थ पर लेके जाओगे तो आपका वेट केवल और केवल कितना परसेंट डिक्रीज होगा, 0.5% डिक्रीज होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं आपको, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही आसानी से एरर्स के जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे वो अप्लाई करने, रिलेटिव एरर वाले, ठीक है ना। तो ये दोनों तीनों फॉर्मूलाज जो है हमारे डायरेक्ट काम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी अटेन्स अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ विच इट वॉज प्रोजेक्टेड। बॉडी अटेन्स अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो अर्थ की सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, और वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था। फिर जैसे ही आप रेडियस के इक्वल हाइट पर चले गए तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, सेंटर से हाइट हो जाएगी 2r, ठीक है, पहले सरफेस पर था r, अब सरफेस से और r हाइट पर चला गया तो इतना, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, मैक्सिमम हाइट है वहां पर जाके काइनेटिक एनर्जी 0। आपकी नेट मैकेनिकल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए, मतलब माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r के इक्वल आ जाना चाहिए। इसको उधर लेके जाएंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाना चाहिए, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r, तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट जी एम डिवाइडेड बाय r, तो रूट जी एम डिवाइडेड बाय r ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो इस चीज के अंदर, इस क्वेश्चन को फॉर्मूलाज के बेसिस पे भी किया जा सकता था, और भी बहुत सारी चीजें थी, बट मैं हमेशा कहता आया हूं कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की जो प्रैक्टिस है वो करनी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे इसके सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, आपको कोई भी फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू द अर्थ, इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस इज, अब जब पार्टिकल इंफिनिटी पर था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी थी, 0, काइनेटिक एनर्जी भी कितनी थी, 0, उसको ड्रॉप किया गया है, और जब वो अर्थ की सरफेस पर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई उसकी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, और काइनेटिक एनर्जी उसकी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपको इस वी की वैल्यू निकालनी है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग 0 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाना चाहिए। इसको इधर लाएंगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाना चाहिए। एम से एम कट गया, 2 को उधर ले जाते हैं तो वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 जी एम डिवाइडेड बाय आर, आर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जी के इक्वल बन जाएगा, तो वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 जी आर, कर सकते हैं अपन आसानी से, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते थे, जैसे v हमने पढ़ा था, डायरेक्ट फॉर्मूला करता था 2gh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। अब यहाँ पे h जो है वो r के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो h को अपन बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2g, दोनों तरफ h से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर h से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर h से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन r। अब देखो 1 अपॉन h, अगर h को आप इन्फिनिटी रख दोगे तो 1 अपॉन h कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो v की वैल्यू बचेगी अंडर रूट 2g डिवाइडेड बाय 1 अपॉन r, यानी कि अंडर रूट 2gr। तो करने को तो आप इसको फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, बट फिर भी मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन सी वाली चीज ध्यान में रखनी है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो थोड़े ज्यादा आसानी और कंसेप्चुअली करेक्ट तरीके से सॉल्व हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी v फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इफ इट कम्स टू रेस्ट एट हाइट h, द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। तो शुरुआत में जब वो सरफेस के ऊपर था तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर थी। अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम इज थ्रोन वर्टिकली अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सरफेस ऑफ अर्थ पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। एट हाइट एच द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और हाइट एच पर तो ये इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और इसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, हमेशा अर्थ के सेंटर से अपन लेते हैं डिस्टेंस, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी आर प्लस एच, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो डेल्टा पीई जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच माइनस ऑफ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम आपका बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा वन अपॉन आर और इधर बचेगा माइनस वन अपॉन आर प्लस एच। सॉल्व करेंगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इधर बचेगा आर प्लस एच माइनस आर और नीचे आर इंटू आर प्लस एच, आर से आर गया तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम टाइम्स एच डिवाइडेड बाय आर टाइम्स आर प्लस एच, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं यूज कर रहा, मैं केवल और केवल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ, और आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इससे सॉल्व किए जा सकते हैं। टू स्मॉल एंड हैवी स्फेयर्स ईच ऑफ मास कैपिटल एम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ठीक है। टू स्मॉल एंड हैवी स्फेयर्स ईच ऑफ मास कैपिटल एम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो एक यहां पर है और एक यहां पर है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज, अब यहां पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है माइनस जी टाइम्स मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और इसकी वजह से भी हो जाएगा माइनस जी टाइम्स मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा आपका, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू टाइम्स जी टाइम्स एम डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय टू, टू ऊपर चला जाएगा माइनस फोर जी एम डिवाइडेड बाय आर। देखो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। हालांकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट क्योंकि मैंने थ्योरी के अंदर वो टॉपिक पढ़ाया नहीं था तो उसको क्वेश्चन के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जैसे फोर्स को मास से डिवाइड करने पर ग्रेविटेशनल फील्ड आती है, वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड करने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है, जी टाइम्स जो भी मास है डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर अ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू माइनस ए बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब माइनस का मतलब है कि आप सेंटर से रेडियल डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव लेते हो तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत
बार पूछे जा चुके हैं और हर बार अच्छे क्वेश्चंस के अंदर काउंट होते हैं। इसमें क्या करना होता है अपनों को कि अपना जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी शक्ल होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मैग्नीट्यूड जो है उसकी शक्ल कैसी होती है, हमेशा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ए अपॉन आर स्क्वायर दे रखा है। आर से आर कट गया तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइडेड बाय आर, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है, एम वी स्क्वायर की वैल्यू ए अपॉन आर रखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, ए अपॉन टू आर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से अपनों ने काइनेटिक एनर्जी तक पहुँचने का रास्ता निकाला। पोटेंशियल एनर्जी की अगर अपन बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था इट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस तरीके से हम देखेंगे नेगेटिव डेफिनेशन में है और यहां पर अपनों ने फोर्स बिल्कुल विथ डायरेक्शन लिया है, राइट। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ए बाहर आ गया, इन्फिनिटी से आर तक अपन नॉर्मली इंटीग्रेशन करते हैं, वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन आर हो जाएगा, लिमिट अपन इन्फिनिटी से आर रखेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस ए डिवाइडेड बाय आर। ये रखोगे तो माइनस वन अपॉन आर, ये रखोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी जो कि जीरो हो जाएगी। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब टोटल एनर्जी जो होती है वो इन दोनों के सम के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि माइनस ए बाय आर एंड प्लस ए डिवाइडेड बाय टू आर, यानी कि टोटल एनर्जी आ जानी चाहिए आपकी माइनस ए डिवाइडेड बाय टू आर। तो यहाँ पे एक चीज आपको और पता चल गई कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है जब फोर्सेज अट्रैक्टिव होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा ताकि टोटल एनर्जी भी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। और टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है आपका सिस्टम जो है वो बाउंडेड है। तो इस तरीके से आपको छोटी मोटी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी व्हेन थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विल बी। अभी क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर आपको जो डेटा दिया गया है वो कंफ्यूज करने का काम करेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग एस्केप वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे, जबकि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी कि जब आप उसको 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे तो भी आपको एस्केप वेलोसिटी कितनी ही मिलेगी, वापस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये नीट के अंदर पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है और आप ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा गलतियां करते हो, राइट। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ अ वेलोसिटी इक्वल टू हाफ द एस्केप वेलोसिटी। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज। तो देखो हमारी जो एस्केप वेलोसिटी होती थी वो हुआ करती थी रूट 2gm अपॉन r, और इसका हाफ जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है वो एस्केप वेलोसिटी के हाफ के इक्वल है। इसका हाफ का मतलब हो जाएगा अंडर रूट gm डिवाइडेड बाय 2r। कैसे, जैसे मैं इसको 1/2 से डिवाइड करूंगा रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट 2 बचेगा जो कि अंदर भी जा लेंगे अपन, ठीक है ना। इस तरीके से मन कर सकते हैं। अब इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, अब यहां पे अपन कंजर्वेशन लगाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी जब सरफेस पर होगा तो कितनी हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। यहां पे स्मॉल आर की जगह अपन कैपिटल आर रख देते हैं, अर्थ की रेडियस जो है वो कैपिटल आर शो करी जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और If R is the radius of the earth, the maximum height attained by the body is. तो मान लो h height तक चले जाती है तो अब आपकी जो potential energy हो जाती है वो हो जाती है minus g capital M small m divided by R plus h, और आपकी जो kinetic energy होती है वो हो जाती है zero. हमें v की value पता है कितनी है, root gm upon 2r, तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा half m v square की जगह अपन g m divided by 2r रख सकते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आएगी g कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय 4r। तो देखो हमारा काम आसान हो गया, हमारे इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए, मतलब माइनस g कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस g कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय 4r। ये किसके इक्वल आना चाहिए, नेगेटिव g कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h के इक्वल आना चाहिए, तो जीरो हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे
तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ये कॉमन आ गया, इधर बचेगा वन अपॉन आर और इधर बचेगा माइनस का फोर आर, मैंने माइनस साइन के साथ बाहर निकाल लिया, और इधर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच चल ही रहा है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम से जी कैपिटल एम स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बचेगा फोर आर में से आर गया तो बचेगा थ्री आर और नीचे बच जाएगा फोर आर स्क्वायर इज इक्व टू वन अपॉन आर प्लस एच। अब तो सॉल्व किया ही जा सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आर स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आर एच और इसको उधर ले जाएंगे तो फोर आर स्क्वायर, थ्री आर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो थ्री आर एच बच जाएगा सिंपल आर स्क्वायर के इक्वल, आर से आर कट जाएगा और एच की वैल्यू आ जाएगी आर डिवाइडेड बाय थ्री। अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट मैं यही प्रूव करना चाहता हूं कि आपको फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, आप इस तरीके की क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम अंडर इमेजिनरी फोर्स फील्ड आर शोन इन बाय द कर्व के ई एंड पी रेस्पेक्टिवली इन फिगर, दिस सिस्टम इज बाउंड। तो मैंने अभी अभी किसी क्वेश्चन के अंदर बताया था कि सिस्टम केवल और केवल बाउंड तब होता है जब आपकी नेट एनर्जी क्या हो, नेगेटिव हो, नेट जो सम है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का वो नेगेटिव हो। अब यहां पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और काइनेटिक एनर्जी इतनी सी है, तो नेगेटिव वाला अमाउंट ज्यादा है, पॉजिटिव वाला अमाउंट कम है, तो टोटल सम भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर बाउंड होगा। सेम कहानी यहां पर, नेगेटिव अमाउंट ज्यादा पॉजिटिव अमाउंट कम, ठीक है, सेम बात यहां पर है, नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव कम। यहां पे तुम देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव है बजाय काइनेटिक एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू के, तो इस केस में आपकी जो टोटल एनर्जी है वो आपको पॉजिटिव नजर आएगी, जबकि सिस्टम के बाउंड होने के लिए टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना जरूरी है। तो ए बी और सी इन तीनों केसेस के अंदर तो आपका सिस्टम बाउंड होगा और डी पर आपका क्या हो जाएगा, अनबाउंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो अच्छे क्वेश्चंस के अंदर काउंट होते हैं, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर, यानी कि आपकी बार अपना जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वन बाय आर के, नॉट आर स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल नहीं, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, then the orbital speed for this force in circular orbit is proportional to, तो proportionality sign को हटाएंगे तो एक constant use कर सकते हैं। हमने बताया था कि अगर circular motion करवा रहा है ये force तो इसकी शक्ल किससे match होनी चाहिए, m v square upon r से match होनी चाहिए, r से r कट जाएगा तो v square की value आ जाएगी k divided by m, यानी कि v हो जाएगा under root k divided by m के equal। यहां पे आप देख रहे हो कि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, तो आप कह सकते हो कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर जीरो, इसका भी मतलब वही होता है, आर की पावर जीरो का मतलब है आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करना, यानी कि ऑप्शन नंबर टू जो है वो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस थे हमने थ्योरी पढ़ी, हमने छोटे छोटे फॉर्मूलाज ध्यान रखे, बट इन क्वेश्चंस के अंदर मेरा मैसेज यही है कि आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है फोर्सेस के बारे में, न्यूटन्स लॉज के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में, यही तो फायदा है मोस्ट वांटेड सीरीज का, कि मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर आपको हर सवाल को करने का अलग तरीका नहीं बताया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि कम से कम चीजों को, कम से कम इंफॉर्मेशन को यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को किस तरीके से अटैक कर सकते हो। तो आई होप आपको इस मोस्ट वांटेड सीरीज का ये जो फायदा है मिल रहा होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।